एक एग्जाम्पल बताता हूँ। किसी को क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है। स्टोरी कौन सुनना चाह रहा था? ठीक है, दिगराज सर शॉर्ट्स सुनो। ठीक है, कि जैसे क्रिकेट कौन खेलना चाहता है? जिसको थोड़ा सा उसमें एक्सीलेंस मिल गई। एक्सीलेंस मिल गई इन द सेंस कि जिसको बैटिंग करता है जाती है, जिसको बॉलिंग करता है जाती नहीं कुछ, तो जिसको एम्पायरिंग करता है जाती है, वो क्रिकेट खेलना चाह रहा है। अब क्या सीखे पता है इससे, कि जब आप चीजों में थोड़ा एक्सीलेंस पाने लगते हो तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ और झुकाव बनता चले जाता है। अगर आज आपको कोई बहुत बेहतरीन टीचर दिख रहा है, अगर आपको आज कोई बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट दिख रहा है, अगर आपको आज कोई बहुत बेहतरीन डॉक्टर दिख रहा है, कोई बहुत बेहतरीन स्कॉलर दिख रहा है, तो वो अपनी आज उस पोजीशन पे क्यों है? क्योंकि एक समय पे उसका उस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। ठीक है, तो बेसिक प्री रिक्विजिट कंडीशन ही यही है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप सब्जेक्ट्स में एक्सेल करें ना, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट से लगाव तो लगाना पड़ेगा। आपको उसके लिए क्या करना होगा, एक बार प्यार करना होगा सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, और वो कैसे होगा, जब आप छोटी छोटी चीजों को बड़े पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अब घर में मैप लगाना कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ गया जीवन में, छोटी सी चीज है, लेकिन आप क्या करेंगे उस मैप को जब बार बार देखेंगे, ठीक है, जब आप उस उन स्टेट्स को बार बार याद करेंगे ना, आई कैन अश्योर यू, ठीक है, आई कैन गारंटी यू कि आप क्या करने लगोगे, सब्जेक्ट के टूवर्ड्स इंटरेस्ट आने लगेगा। आप ये आप कहीं भी कुछ बात चल रही होगी ना कि इस राज्य में ऐसा हुआ, तो आप आंख बंद करके विजुअलाइज करोगे। अगर जितने लोगों को स्टेट्स सारे ध्यान है, तो ये बात सच है या नहीं बताना मुझे। होता है ना कि जब आपको स्टेट्स ध्यान है, आपको पता है किस स्टेट की क्या कैपिटल है, एक तो बहुत बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं, तो आप चीजों को विजुअलाइज कर पाते हो, आपको इंटरेस्ट आता है उस कन्वर्सेशन में, उस बात में, उस पढ़ाई में। तो दिस इज द पॉइंट, इसलिए कहता हूं मैं कि चीजों को है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें रहती है, इनको बड़े लेवल पर करने की कोशिश किया करो।